العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ادعوني أستجب لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر لا يرد القدر إلا الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما خائبتين. एक बात तो ये जहन में रखो जो अभी हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे इसकी क्या फजीलत है। अल मौजमुल औसत की 7523 42 नंबर की हदीस है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैया वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरफ, जो मेरे ऊपर एक मरतबा दुरूद शरीफ भेजेगा अल्लाह उसमें 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। मन सल्ला अलैया अशरत सल्लल्लाहु अलैहि में आते हैं, जो 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह उसमें 100 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाएंगे। फिर आपने फरमाया मन सल्ला अलैया में अतन, जो मेरे ऊपर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा كتب الله بين عينيه براءة من النار وبراءة من النفاق, तो अल्लाह 100 मरतबा पढ़ने की वजह से उसके पेशानी पर लिखेंगे बरातम मिन النار, ये आग से भी भरी है, वो बरातम मिन النفاق, ये निफाक से भी भरी है। तो ये फजीलत है इसकी दुरूद शरीफ, लिहाजा इसका एहतमाम आज ही नहीं पूरी जिंदगी करेंगे, ये तय करो करेंगे मैं इंशाअल्लाह। हमारी बात यहां से शुरू हो रही है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझको पुकारो मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। ये वादा किसने किया? अल्लाह ताला ने किया कि तुम मुझसे दुआ करोगे मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। और एक जगह फरमाया इदा सालक इबादी, जब आपसे मेरे बंदे सवाल करे इदा सालक इबादी अन्नी, मेरे बारे में फइन्नी करीब, तो मैं उनके क्या हूं करीब हूं। यानी अल्लाह फरमाते कुरान के अंदर कि अगर आपसे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उम्मती सवाल करे कि मैं कहां हूं तो उनसे कह दो फइन्नी करीब, मैं क्या हूं करीब हूँ। मुजीब दावत दाई दादान, मैं दुआओं के आपकी पुकार पर लबैक कहता हूँ जब कोई बंदा मुझको पुकारता है। लिहाजा दुआ एक ऐसी दावत, दुआ एक ऐसी ताकत है जो निजाम कायनात को बदल देती है। इब्ने माजा शरीफ के मुकदमे की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यरुद्दुल कदा इल्ला दुआ, अगर तकदीर को कोई चीज बदलती है तो वो दुआ है जो तकदीर को बदल देती है। अगर किसी के तकदीर में अल्लाह ने लिखे कोई चीज और उसने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ कर लिया तो अल्लाह उस लिखे हुई तकदीर को बदल देते हैं। तकदीर किसे कहते हैं? एक बुजुर्ग फरमाते थे, एक फकीर था, वो जब भी जाता किसी बस्ती में तो भीख मांगता, कहता गिर क्यों नहीं गई, क्या होता गिर क्यों नहीं गई, और लोग उसको भीख दिया करते थे। एक दिन एक बस्ती में गया और उसने कहा गिर क्यों नहीं गई, तो दूसरे माले पर एक लड़की खड़ी थी, उसने कहा चल गई सो चल गई। तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि ये हमेशा कहता गिर क्यों नहीं गई और आज लड़की ने ये कहा चल गई सो चल गई, बात क्या है? उस लड़की को नीचे बुलाया गया और पूछा गया कि ये हमेशा कहता गिर क्यों नहीं गई, कहा ये कहता है ऐ अल्लाह तू मेरी जब तकदीर लिख रहा था तो कलम गिर क्यों नहीं गई, मैंने कहा चल गई सो चल गई, अब तुझे भी की मांगे। तो ये है तकदीर, जो लिख दिए वो लिख दिए, लेकिन तकदीर को बदलने वाली अगर कोई चीज है तो वो दुआ है। उसी इब्ने माजा शरीफ के अंदर मुकद्दमे में एक हदीस है ला यरुद्दुल कद्र इल्ला दुआ,
तकदीर के लिखे हुए को अगर कोई चीज बदल सकती है तो वो दुआ है जो निजाम कायनात को बदल देती है। अल्लाह ताला ये देखते हैं कि दुआ कर कौन रहा है, इसके उठे हुए हाथ और इसके दिल के अंदर की बेचैनी कैसी है, उस पर अल्लाह की तरफ से निजाम कायनात तब्दील होता है। एक गजले से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा वापस हो रहे थे, रास्ते से वापस होने लगे तो रास्ते में एक बुढ़िया आ रही थी लाठी फेंकते फेंकते। अरे वो ये पूछ रही थी मेरे बेटे मालिक बिन सिनान का क्या हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो अबू बकर पीछे आ रहा है, उससे मालूम कर लो। अब बेचारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ लपकी, हजरत अबू बकर उधर से आ रहे थे और ये बूढ़ी औरत लाठी टेकते टेकते अपने बच्चे का सवाल कर रही थी कि मेरे बेटे मालिक बिन सिनान का क्या हुआ। अबू बकर की जबान से जुमला निकल गया कि वो तो पीछे आ रहा है। अब औरत आगे बढ़ती रही और मैदान जंग की तरफ जाती रही। लोगों ने सिद्दीक अकबर से कहा तुम्हें मालूम है जिसके बारे में तुमने ये कहा वो पीछे आ रहा है, अरे उसका तो उसकी तो शहादत हो गई, उसको तो हमने दफन कर दिया है और तुमने ये कैसे कह दिया वो पीछे आ रहा है। अब वो बूढ़ी औरत क्या सोचेगी कि अबू बकर मेरे गम पर बजाय हल्का करने के मेरे गम को उछाल रहा है, उसका मजाक बना रहा है, मुझे बेटे मैंने बेटे का सवाल किया तो ये कह रहा पीछे आ रहा है। अब अबू बकर सिद्दीक परेशानी में मुब्तला है, क्या है अल्लाह ये जबान वो जबान है जिस जबान ने कभी झूठ बोल नहीं बोला है, ये जबान हमेशा सच्चाई का बोल बोलती रही, और ऐसी हालत में और ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब मक्के के कुफार ने सिद्दीक अकबर से कहा कि जरा ये तो बताओ एक आदमी ये कहता है एक ही रात में वो मक्कतुल मुकर्रमा से मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस और बैतुल मुकद्दस से अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गया और ये सब काम एक ही रात में हो गया, ये ऐसा हो सकता है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा ये बात कौन कहता है, ये वही तुम्हारे साथी कहते हैं। तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि वो अगर कहते हैं तो सच बात, वो झूठ नहीं कह सकते, ऐसी सच्चाई ऐसी नबी की तस्दीक। लेकिन जबान से जुमला निकल गया कि वो पीछे आ रहा है और हाल ये है कि वो सहाबी क्या हो गए, शहीद हो गए। अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला बेचैन है, रो रहे हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं। सारे सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबी में दाखिल हो गए। रावी लिखता है सिद्दीक अकबर बाहर ही रहे, अंदर नहीं गए, रो रहे धो रहे कि वो बुढ़िया क्या मुझसे कहेगी। लेकिन इंसानों ने क्या मंजर देखा, मंजर देखा इंसानों ने जिस मंजर ने निजाम कायनात को तब्दील कर दिया कि वो मालिक बिन सिनान रज़ी अल्लाह तआला उस बूढ़ी मां के हाथ में हाथ डाल के वापस आए। जब लोगों ने ये मंजर देखा तो वो तो हैरत में पड़ गए, अरे ये क्या हो गया, इसको हमने दफनाया था, इसको हमने कफनाया था, ये कैसे वापस आ गए। सिद्दीक अकबर भी अंदर तशरीफ ले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते को भेजा और मालिक बिन सिनान की कब्र को फाड़ दिया और मालिक बिन सिनान को दोबारा निकाल दिया। इसलिए ये किया कि अबू बकर की जबान से निकलने वाला जुमला गलत ना हो जाए, यानी अबू बकर की दुआ की वजह से अल्लाह ने मालिक बिन सिनान को दोबारा जिंदा कर दिया। हमारा ये उसूल रहता है कि जिसको हम मौत देते हैं दोबारा उसको दुनिया में भेजा नहीं करते, लेकिन अबू बकर के फैले हुए हाथ और उल्टे आंखों से टपकने वाले आंसू अल्लाह के दरबार में ऐसे कीमती थे कि अल्लाह ने निजाम कायनात को तब्दील कर दिया। काय की ताकत है, ये दुआ की ताकत है। तो दुआ एक ऐसी चीज है जो निजाम कायनात को बदलती है, ये दुआओं के जरिए से वो काम हुए हैं जो तसव्वुर से खाली तसव्वुर से बहुत दूर है। एक सहाबी थे हजरत अबू हुरैरा, उनको हदीसें याद नहीं होती थी, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको हदीसें याद नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फैलाने का हुक्म दिया, उन्होंने चादर को फैलाया, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको अपने बदन से लपेट लो। नबी ने दुआ दी, वो दुआ की बरकत ये थी हजरत अबू हुरैरा
अल्लाह मुहद्दिसों के इमाम बने, 5374 रिवायतों के रावी बने सिर्फ नबी की दुआ की बरकत से। एक सहाबी को आपने दुआ दी कि ऐ अल्लाह ये अनस के माल में और जान में बरकत अता फरमा। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला को इस दुआ की बरकत ये मिली। हजरत अनस फरमाते 300 बच्चों को मैंने अपने हाथों से दफन किया। एक जगह लिखा है 300 बच्चे, एक जगह बुखारी की हाशिए में लिखा है कि तकरीबन 120 बच्चों को मैंने अपने हाथों से दफन किया। और बरकत काय की थी? नबी की दुआ की बरकत थी। एक सहाबी को आपने दुआ दी, ऐ अल्लाह इसकी फसाहत को बढ़ा दे। वो सहाबी फरमाते नबी की दुआ की बरकत से 120 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन मेरे दांत ऐसे थे जैसे किसी नौजवान के होते। तो ये है वो दुआ जो निजामे कायनात को तब्दील करती है। ये वो है दुआ जो ऐसे ऐसे वाकियात रोनुमा करती है कि जिसको देखकर इंसानों की अकलें हैरान सरगर्दा हो जाती है कि ये कैसे हो गया। खंदक का मौका था, बुखारी जिल्द सानी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे दो पत्थर बने हुए थे। एक सहाबी थे जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब उन्होंने देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख में है और जो मजमा है सहाबा का 1000 का मजमा था, सबके सब 3 दिन से भूखे थे। अब हजरत जाबिर ने ये मंजर देखा, वो गए अपने घर पर और अपने बीवी से फरमाया, हल इंदकी शैउन, तेरे पास कुछ है? इसलिए कि नबी भूख से परेशान हाल है, पेट पे दो दो पत्थर बने हुए हैं और सहाबा 3-3 दिन से भूखे हैं। तो बीवी कहने लगी कि मेरे पास थोड़ी सी जव है और एक बकरी का बच्चा है, इसको जबा कर लो और ये जव जो है इसका आटा गूंथ लिया जाएगा, तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे दो। अब हजरत जाबिर गए और जाकर ये कहा कि आज आपकी दावत है और आप अकेले तो नहीं आएंगे, तो चंद लोगों को साथ कर लेके आना। एक बुखारी की रिवायत में रजुलन और रजुलाने, एक लाना या दो लाना, और एक जगह फरमाया नफर यानी 10 से कम लोगों को साथ में लेकर। ये उन्होंने दावत इधर दे दी, उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि ऐ खंदक वालों, तुम सबको आज जाबिर के घर की दावत है। दुआ की बरकत देखो, दुआ किसे कहते हैं? दुआ की बरकत ऐसी है कि आदमी की अकले उसको तस्वुर में भी नहीं ला सकती। इसको कहते हैं दुआ। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, एक आदमी से मुलाकात हो गई, उसने कहा मूसा तुम अल्लाह से ये दरख्वास्त करना और अल्लाह से ये मालूम करना कि मेरी किस्मत में अल्लाह ने औलाद लिखा है या नहीं लिखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, अल्लाह से मालूम कर लूंगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए अल्लाह से मुलाकात की कोह दूर पर और अल्लाह ताला से ये फरमाया, अल्लाह एक बंदे से मुलाकात हुई थी, जरा ये तो बता दे उसकी किस्मत में औलाद है या नहीं है। तो अल्लाह ने ये कहा, ऐ मूसा उससे ये कह देना उसकी तकदीर में हमने औलाद को नहीं लिखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, सारे नबी अल्लाह से बात करते थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की खसूसियत ये थी कि हेलो और बोलो, कभी भी फोन लगता था उनका, उनका फोन हर जगह लगता था, ये कमाल था उनका। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी मुलाकात हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि भाई देखो, तुम्हारे सिलसिले में अल्लाह से मालूम कर लिया, तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने औलाद नहीं लिखा है। उसने कहा भाई ठीक है। अब एक जमाना गुजरा, लिखा है किताबों में कि उसके घर दरवाजे पर एक अल्लाह का वली आया और उसने कहा कि अगर तुम मुझे एक रोटी दोगे तो अल्लाह तुम्हें एक लड़का देगा, और अगर तुम मुझे दो रोटी देंगे तो अल्लाह तुम्हें दो लड़के देगा। तो उसने कहा कि अपनी बीवी से खिला दे। तो बीवी कहने लगी क्या खिलाते, मूसा अलैहिस्सलाम ने बोल दिया कभी औलाद होने वाली नहीं है, क्या खिलाने से कोई फायदा नहीं है, लोग खिलाते किसको जिससे कुछ फायदा हो। अब यहां तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपस में मशवरा हुआ कि खिला दो, ना हो गया तो हो गया,
खिला दिए। एक जमाना गुजरा, अल्लाह ताला की तरफ से इस औरत को हमल ठहर गया, इस्तेकार हमल हुआ, और चंद महीनों के बाद यानी जो उसकी मुद्दत होती है, मुद्दत होने के बाद वलादत हो गई। और बच्चे जब बड़े हो गए, छोटा सा घर था, सहन में बच्चे खेलने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक दिन वहां से गुजर हुआ, हजरत मूसा ने देखा, फरमाया लिमन हाजा मिन गुलामान, ये बच्चे किसके है? वो कहने लगा ये बच्चे मेरे। अब हजरत मूसा तो थे जलाली नबी, इतने जलाली थे कि एक दिन एक किद्दी को एक मुक्का मारा जलाल में, एक ही मुक्के में सिलिप कर दिया उसको, ऐसे जलाली नहीं। हजरत मूसा आ गए जलाल में, लगाए फोन, बोले हेलो। अल्लाह ने बोला बोलो क्या बात? बोले ऐ अल्लाह, मैं तेरा नबी हूं और मैंने इसको ये खबर दिया कि तुझे औलाद नहीं होगी और आपने इसको औलाद दे दी, ये कैसा हो रहा है? अगर मेरे मैं जबान से कोई खबर दूं और उसके खिलाफ अगर मामला पेश आए तो लोग तो मेरी नबूवत में शक करने लगेंगे। तो अल्लाह ने कहा ए मूसा, तुमने हमसे दुआ नहीं की थी, तुमने हमसे ये नहीं कहा था कि उसको औलाद देना पड़ता, बल्कि तुमने ये कहा था उसकी किस्मत में औलाद है या नहीं, तुमने वो पूछा था, हमने तुमको बता दिया उसकी तकदीर में, उसकी किस्मत में औलाद नहीं थी। लेकिन क्या बताओ मूसा, उसके दरवाजे पर एक बंदा आया था, वो फकीर नहीं था, वो मेरा महबूब बंदा था, उसका ताल्लुक मुझसे गहरा था। जब उसने मेरे सामने हाथ उठाए कि ऐ अल्लाह तू इसको औलाद दे दे, कहा मूसा उसके उठे हुए हाथ मुझे इतने पसंद आए कि मैंने तकदीर के फैसले को बदला और उसके लिए औलाद का फैसला कर दिया। तो ये है दुआ की ताकत। लेकिन अपनी दुआ कैसी है? ऐ अल्लाह ये कर दे वो कर दे, अपन जज के जैसी दुआ कर दे, अल्लाह मियां वो ये भी दे दे वो भी दे दे, ये दुआ नहीं है। दुआ का तरीका ये है कि जब दुआ करो तो पहले अल्लाह की तारीफ करो। एक गलती लोगों में ये भी है कि दुआ से पहले डायरेक्ट दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआ से पहले अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ करो, उसके बाद दूसरे नंबर पे दुरूद शरीफ पढ़ो और उसके बाद फिर अल्लाह से मांगो, तब दुआएं कबूल होगी। हम दुआएं करते हैं लेकिन वो कबूल क्यों नहीं होती? इसलिए कि दुआ में वो दुआपन है ही नहीं। जैसे बच्चा है, उसको बोले बेटा नहीं वहां शादी नहीं करना है, नहीं मैं वही करूंगा, बोले नहीं करे मत, मैं नहीं मैं वही करूंगा, तो जैसी जिद रहती ना दुआ में ऐसी जिद है, ऐ अल्लाह आपको देना ही पड़ेगा, आप दे दो, ऐसी नजाजत और इसरार के साथ जब दुआ की जाती है तो निजामे कायनात अल्लाह तबारक व तआला तब्दील फरमाते हैं। क्या बरकत है दुआ की? नबी ने ये ऐलान किया कि सबको दावत है, अभी जब ऐलान हो गया सबको दावत का, अब हजरत जाबिर तो घबरा गए कि मेरे पास तो थोड़ा सा खाना है, इसको दो लोग खा सकेंगे, ये चंद लोग खा सकेंगे, अब चंद लोग खाएंगे और यहां पर जो है इतने ज्यादा लोगों को दावत दे दी गई तो क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, जरा इधर सुनो या तो मैं दुआ पढ़ा दू, पढ़ा दू की दुआ, ध्यान से सुनो क्या बात चल रही थी, अरे बोलो ना दावत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये तो थोड़े से घबराए हुए हैं कि जमात को 10 लोगों की समझ के दावत दी और आगे 30, तो परेशानी होगी ना। इस परेशानी का एक अमल आपको बता दूं आज, इसलिए कि तुम रात में आए ना, कभी भी घर में खाना पके और खाना कम पड़ने का खतरा खतरा हो और अंदेशा हो तो वहां पर यासीन पढ़ के उस खाने में फूंक दो, इंशाअल्लाह खाना कम नहीं होगा। 50 मरतबा इसका तजुर्बा है। अगर आपके घर में प्रोग्राम है शादी का, वलीमा हो या कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, पकाए 30 का आगे 50, पढ़ो उस पर यासीन। ये यासीन की बरकत है कि सब खाएंगे, खाना जितना का उतना रहेगा। दिल्ली में इतना अच्छा मत बता दिया। तो नबी ने फरमाया कि अभी मेरे आने से पहले कुछ मत करना, वो हांडी पर गोश्त चढ़ा लेना, लेकिन वो हांडी पर गोश्त पकाना, सालन पकाना, लेकिन हांडी नीचे ना निकालना, और रोटियों को पकाना में शुरू करना, बस सिर्फ उसके पेड़ बना के रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए, बुखारी जिल्द शानी की रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त वहां पर दुआ की,
दुआ की बरकत ये थी, आपने दुआ की, एक रिवायत में आता है, अपना जवाब उस सागर में डाला और आका ने फरमाया कि पड़ोस की एक औरत को भी बुला लो ताकि वो रोटी देने में साथ दे, उसको भी बुला लो। उसको भी बुलाया गया, आपने वो रोटी पेड़ों के ऊपर कपड़ा डाला और आपने दुआ की। रिवायत के अंदर आता है, बुखारी उस किताब को कहते हैं असल कुतुब इबादत किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद अगर सबसे सच्ची कोई किताब है तो बुखारी शरीफ है। उस किताब में यह लिखा है कि 1000 लोगों ने खाना खा लिया लेकिन वो खाना जैसा का वैसा बाकी रहा। अरे बोलो काय की बरकत थी? दुआ की बरकत। एक इसके आगे की बात जो बुखारी में नहीं है, किसी और जगह है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोश्त गोश्त खाना, हड्डियों को मत चबाना। गोश्त गोश्त खाना, हड्डियां मत चबाना। जब सबने खा लिया और हड्डियों को आपने एक जगह जमा किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और उन हड्डियों पर हाथ फेरा तो बकरी का बच्चा दोबारा जिंदा हो गया। ये काय की बरकत थी? दुआ की बरकत थी। तो दुआ एक ऐसी ताकत है जो निजाम कायनात को बदल देती है। दुआ के जरिए से आदमी वो मसले हल कर सकता है जो अस्बाब के जरिए से हल नहीं कर सकता। लेकिन हम दुआ कब मानते हैं? जब अब्दुल्ला के दरवाजे पर जाने से थक जाता है तब उसे अल्लाह का दरवाजा याद आता है, जब दवाओं से थक जाता है तब अल्लाह याद आता। अरे दवाओं से थकने के बाद अल्लाह याद तो शांताराम और सीताराम को भी आते हैं। जब डॉक्टर थक जाता है इलाज से तो वो ये कहता है ऊपर वाले से बोलो, तो आखिर में ऊपर वाले से बोलना ये तो शांताराम को भी मालूम है, ये तो अल्लाह के गैर को भी मालूम है। मुसलमान का काम क्या है? हर मसले में सबसे पहले वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। तो ये दुआओं की बरकत है और दुआ लेना चाहिए। हजरत यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, इमाम अबू यूसुफ की दुआ ली और दुआ कैसे मिली? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर होते थे और इतनी पाबंदी से हाजिर होते थे कि उनके बेटे का इंतकाल हो गया। किसका इंतकाल? बेटे का। और वही वक्त इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर्श देने का था, तो जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने लोगों से कहा कि देखो मेरे बच्चे को दफना देना और इसकी नमाज जनाजा पढ़ लेना, इसलिए कि मेरे को इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाना पड़ता, अगर मैं बच्चे के नमाज जनाजा में दफन कफन में रहूंगा तो मेरा दर्श छूट जाएगा। ऐसे एहतमाम से हाजिर हुए। और कहां किसके कौन थे? इनकी मां धोबी थी, बाप भी धोबी था, धोबन का बेटा, लेकिन पाबंदी से दर्श में हाजिर रहता। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ दे दी उस वक्त जब उसकी उनकी मां आई और मां ने इमाम अबू यूसुफ से कहा कि उठ चल यहां से, तू क्या ये इस बुड्ढे के पीछे लगा रहता है, तू धोबी का बेटा है, ये ईमानदार इंसान है, इसकी बड़ी बड़ी तिजारतें हैं, अगर तू इसी के पीछे लगा रहेगा तो खाएगा कहां से। उस वक्त इमाम अबू हनीफा ने कहा यार ही ऐ बुढ़िया, मैं तो यह देख रहा हूं तेरा बेटा पिस्ते के तेल में पका हुआ फालूदा बादशाह के दस्तरखान पे खा रहा है। यानी दिल से ये दुआ दी कि अल्लाह इसको बादशाह के दस्तरखान पे पहुंचाएगा और पिस्ते के तेल में पका हुआ ये फालूदा खाए। एक जमाना गुजर गया, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, ये इमाम अबू हनीफा दुनिया से चले गए। ये सीधे साधे थे, कोई पहचानता नहीं था। जिसे बुलंदी अल्लाह देना चाहते हैं फिर बुलंदी के रास्ते उसके लिए हमवार कर देते हैं। हारून रशीद का जमाना था, वो बादशाह थे, अपने महल में बैठे, जबान से जुमला निकल गया महबूबा बीवी के सिलसिले में कि अगर तूने आज मेरे मुल्क में रात गुजारी तो तुझको 3 तलाक। बस ये बात बोल दिए, लोगों को बहुत जोश रहता तलाक देने का, लेकिन जब तलाक दे देते ना तो पूरा नशा उतर जाता। जब सारा मुफ्ती बन रहे थे तो लोग आते थे कि मुफ्ती साहब वो गुस्से में मैंने तलाक दे दिया, तो मुफ्ती साहब बोलते थे कोई मोहब्बत में तलाक देता? बोले हजरत ऐसा लग रहा था कि मुझ पे जिन्नात सवार था। हजरत फरमाते थे मुझे भी ऐसा लग रहा कि जिन्नात सवार है मेरे ऊपर, जो ये बोल रहा कि हो गई, अब गई हाथ में से, तो 3 ये तो काम ही खत्म हो जाता।
शरीयत ने क्या कहा, अगर औरत से तुम्हारा तालमेल नहीं जम रहा उसको नसीहत करो, थोड़ा समझाओ, अगर नसीहत से नहीं मानती है तो उनको एक ही पलंग पर छोड़ दो, कैसे, एक ही कमरे में वो इधर मुंह करके तुम इधर मुंह करके सो, ताकि उसकी इस्लाह हो जाए, ऐसा छोड़ो। अगर इससे भी काम नहीं चलता मजरिमो हुन्ना तो जरा धक्का धुक्का लगाओ, ज्यादा हार्ड नहीं, धक्का धुक्का, ताकि सुधर जाए। अब अगर धक्के और मुक्के से भी नहीं सुधरती है तो फिर शरीयत ने कहा एक तलाक दे दे, कितनी, एक पे संभल गई तो जिंदगी गुजार लेना, लेकिन लोगों को शौक रहता तीन बोले एक साथ मारने का, तो तीन मार दिए तो फिर वो अपने पास नहीं आ सकती। कब तक? कुरान ये कह रहा है हत्ता तंकिहा ज़ौजन गैरा, यहां तक कि वो किसी और से निकाह करेगी, फिर वो उसको तलाक देगा, फिर इद्दत गुजरेगी, फिर अगर वो आए फिर उसके बाद आ सकती, यानी इतना घुमा फिरा के। अब तीन तलाक तो दे दिए, लेकिन ये तलाक कैसी है भी ध्यान रखना, ये तलाक शर्त के साथ मुअल्लक है। एक तलाक तो यह है कि मैंने तेको तीन तलाक दे दिया, तीनों भी हो गई, एक तलाक ये है कि अगर फकरू के घर पर गई तो तुझे तीन तलाक, अगर गई फकरू के वहां तो तलाक, और नहीं गई तो कोई तलाक नहीं, ये शर्त के साथ है। जैसे अगर तू ये घर में गई तो तुझे तलाक, अगर जाएगी तो पढ़ेगी, नहीं तो नहीं, समझ गए। तो ये तलाक भी कैसी है कि अगर तूने मेरे मुल्क में रात गुजारी तो तुझको तीन तलाक। और हार तशीद रहमतुल्लाह अलैह का मुल्क कितना बड़ा था और कितनी बड़ी बादशाह थी, आसमान की तरफ देखते थे, जब आसमान में बादल छाते बादलों से कहते ऐ बादल तुझे जहां बरसना है बरस जा, तेरा नफा मेरे ही खजाने में आएगा। इतनी बड़ी हुकूमत। अब जहाज का जमाना तो था नहीं कि बेगम को बिठाए के और दूसरे मुल्क में रात गुजार के फिर बुला लेंगे, अब परेशान हो गए, निजाम अल्लाह चलाते, निजाम कायनात में तगैयुर अल्लाह लाते, अल्लाह ही के तगैयुर लाने से निजाम कायनात में तगैयुर आता है। ये मोमिन का अकीदा होना चाहिए कि यहाँ जो भी होता है सब अल्लाह ही के तरफ से होता है, इसलिए कि कुरान में कुल कुल्लुम मिन अल्लाह, सब किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। अब ये परेशान है, तो जब आदमी होता है परेशान तो उसको उलमा ही याद आते हैं, सारे उलमा की मजलिस बिठाई और उलमा से कहा कि देखो कुछ तो करो, जो लोग बोलते मौलाना कुछ रास्ता निकालो, अब क्या अपने बड़प्पा की शरीयत है रास्ता निकालेंगे, जो है वो है पर रास्ता निकालो। तो सबने बोले भाई हमको तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा, आपकी बीवी रात मस्जिद में गुजारेगी तलाक पड़ जाएगी, आपकी बीवी रात आपके मुल्क में गुजारेगी तलाक पड़ जाएगी। तो इमाम हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के दिल में बात आई अल्लाह की तरफ से, कहा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में कोई है जो हो अभी बाकी जिंदा? तो लोगों ने कहा हाँ हाँ एक है, वो याकूब उनका नाम है और अबू यूसुफ से वो मशहूर है, का उनको बुलाओ। अब आए हजरत मजलिस में, हारून रशीद ने कहा कि देखो ऐसा ऐसा हो गया, लोग मसला बदल बदल के मुफ्तियों से पूछते यहां तक के ताकि वो क्या हो जाए, नाजायज जायज हो जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, सही सही बात सामने रख दी कि देखो मैंने अपनी बीवी से कह दिया, अब बताओ क्या है। तो इन्होंने कुछ सोचे भी नहीं और बरजस्ता जवाब दिया कि आपकी बीवी रात मस्जिद में गुजारे तलाक नहीं पड़ेगी। अब तो हारून रशीद एकदम वजद में आया, बहुत खुश हो गया कि देखो काम थम गया, रात मस्जिद में गुजारे तलाक नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरे जो उलमा थे उनके पेट में तो दर्द हो रहा था ना कि अगर ये जवाब देगा और इसका जवाब पास हो गया तो ये करीब हो जाएगा, हुंदूर हो जाएंगे, लिहाजा सब मुतवज्जे हुए कैसे नहीं पड़ेगी। कहा मेरा अल्लाह कुरान में कहता है अन्नल मसाजिद लिल्लाह, के मस्जिदें अल्लाह की है, अल्लाह ने कुरान में ये नहीं किया, कहा अन्नल मसाजिद लिल हारून, मस्जिद हारून की नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है, लिहाजा रात मस्जिद में गुजारेगी तलाक नहीं पड़ेगी, क्योंकि मस्जिद जो होती है वो अल्लाह का घर होता है, मस्जिद तहतु सरा तक मस्जिद है, मस्जिद आसमान तक मस्जिद ही है, ये अल्लाह का घर है, कमेटी निगरानी के लिए होती है, ये मस्जिद का कोई मालक नहीं होता, ये अल्लाह की मिल्कियत में है। अब हारून रशीद एकदम खुश हो गया, पूरी इस्लामी हुकूमत का चीफ जस्टिस बना दिया,
समझ में आई बात। और इतने करीब हो गए आप, बहुत सारा दिया भी दिया कि हारून रशीद के दस्तरखान पर इनका खाना होता था। एक दिन बैठे दस्तरखान पर तो हारून रशीद ने कहा, जरा ये लेना, ये पिस्ते के तेल में पका हुआ फालूदा है। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह मुस्कुराए। हारून रशीद ने कहा, क्यों मुस्कुराए हो? कब मुझे अपने उस्ताद की दुआ याद आ गई। मेरे उस्ताद ने मुझसे ये कहा था, जब मेरी माँ ने ये कहा था कि तू कुछ कमा, इस मोड़े के पीछे क्यों लगा रहता है, उस वक्त मेरे उस्ताद ने कहा था, मेरी निगाहें ये देख रही है, ये बादशाह के दस्तरखान पर पिस्ते के तेल में पका हुआ फालूदा खा रहा है, कौन की दुआ ने मुझको यहाँ पहुंचाया है। यह है दुआ जो यहाँ पहुंचा देती है उसको, जो धोबी का बेटा था, कोई जानता नहीं था, लेकिन दुआ एक ऐसी चीज है जो बस्ती से बुलंदियों तक पहुंचा देती है। दुआ ऐसी ताकत है। एक मर्तबा अबू जहल ने क्या किया, एक गड़ा खोदा और उस गड़े के ऊपर खजूर की छाल को डाल दिया और बीमार बन के बैठ गया, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने के लिए आएंगे मेरी आयादत के लिए, तो इस गड़े पर से चल के आएंगे तो अंदर गिर जाएंगे, लिहाजा बहुत अच्छा लगेगा कि जो नबूवत का दावा कर रहे हैं इन्हें यह भी खबर नहीं कहां गड़ा है, गिर जाएंगे। ऊपर उसने खजूर की छाल डाल दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए आयादत के लिए, जब आप जाने लगे, बस आप उस गड़े के करीब ही पहुंचने वाले थे कि अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हो गया कि इस गड़े के अंदर, इस गड़े के ऊपर खजूर की छाल डाली हुई है, आप चलना मत, चलेंगे तो गिर जाएंगे। तो आप बजाय आगे जाने के पीछे लौट गए। अब ये मारे गजब के कि ये तो बच गए, ये फौरन वहां से चला और खुद गड़े में गिर गया। हदी ऐका है, मकबरा है अरबी का, मन हफिर बीरन ले अखीही व वका फीही, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड़े में जाकर गिरता है। यहां एक बात जहन में आई, एक बादशाह था, उसके दो वजीर थे, एक वजीर बादशाह का बहुत करीबी था जो खास था, और एक नायब वजीर था। असल क्या हुआ, बादशाह की मां का इंतकाल हो गया, तो छोटे वजीर ने यह सोचा कि अब इस बार इस वजीर को अटकाने का मौका मिल गया, इसके लिए गड़ा खोदो। क्या इसने कहा बादशाह